मुरादाबाद के बिलारी पुलिस द्वारा की गई दबंगई की एक घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पीड़ित किराना व्यापारी ने इसकी शिकायत आज एसएसपी से करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। मुरादाबाद के बिलारी कस्बे के रहने वाले किराना व्यापारी आदिल ने आज एसएसपी कार्यालय पहुंचकर बिलारी पुलिस द्वारा की गई दबंगई के लिखित में शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित ने इस शिकायत के साथ वो सीसीटीवी भी एसएसपी को सौंपा है, जिसमें बिलारी थाने के एक दरोगा अपने 3 सिपाहियों के साथ मिलकर पीड़ित की दुकान से सामान बाहर फेंक रहे हैं और उसके साथ जबरदस्त मारपीट कर रहे हैं। पीड़ित आदिल का आरोप है कि उसने एक प्रॉपर्टी का सौदा 14 लाख रुपए में किया था, जिसके बयाने में 3 लाख रुपए दे दिए गए थे, लेकिन अब वह जमीन समय से पूर्व ही किसी दूसरे को बेच दी गई, जबकि उसमें पीड़ित अपनी किराने की दुकान चलाता है। कस्बा इंचार्ज ब्रजेश यादव ने दूसरे पक्ष से हमसाज होते हुए 16 अक्टूबर में उसके साथ मारपीट की और उसकी दुकान का सामान बाहर फेंक दिया। ये पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित ने आज इसी के आधार पर एसएसपी के सामने पेश होकर न्याय की गुहार लगाई है। मेरा नाम सर आदिल रशीद है, थाना बिलारी पर रहने वाला हूँ। मेरी मोहल्ला बाजार मैन मार्केट में होलसेल की बहुत बड़ी दुकान है। क्या समस्या है आपको? समस्या यह है कि सर मैंने एक दुकान मोल ली थी, 3 लाख रुपये बयाना गया हुआ था उसका। अब उसने दूसरे पक्ष से वो दुकान किसी और को बेच दी, अब उससे 3 लाख रुपये बिना दिए कह रहा है खाली करो। कई बार उन्हें धमकिया दे चुका मुझे, लेकिन मैं खाली नहीं कर रहा। मैंने पहले मेरे 3 लाख रुपये तब दुकान खाली करूँगा मैं। इसी बीच में नमाज़ पढ़ने गया हुआ, जुमे के दिन था, 16 तारीख का मैं नमाज़ पढ़ा, मेरा बेटा बैठा हुआ था मेरे पीछे, आगे उन्होंने सारा ताले वाले तोड़ कर सामान फेंक दिया। फिर मैंने आगे उस बात का विरोध करा, मुझे मारा पीटा, फिर पुलिस को बुला लिया। पुलिस उनके कहने पर चलती है, दलाल आदमी हिस्ट्री शीटर है उसका बाप। उन्होंने मुझे मारा पीटा और मुझे ही बदतमीजी दिखाते हुए पुलिस वाले मारते हुए, ऐसे जैसे कि मैं 302 का मुजरिम हूँ, कोई गुनाहगार हूँ। इतनी बुरे तरीके से मारते हुए लेके गए मुझे कि साहब मैं मरने का दिल कर रहा था, मेरे इतनी बेइज्जती करी गई मेरी, मैं क्या करूँ बताइए। मैं इंसाफ के लिए आया हूँ यहाँ पर, आप मेरे साथ इंसाफ कीजिए। इसकी आपने कहीं कोई तहरीक दी इस घटना? नहीं, अभी नहीं दी। मैं एसएसपी साहब के पास आया हूँ यहाँ पर मरदा अपना। क्या चाहते हैं आप? मैं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चाहता हूँ और मुकदमा लिखाना चाहता हूँ। यही नहीं कि खाली लाइन हाजिर कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है, नहीं, उसके खिलाफ मुकदमा लिखाया है, विभागीय जाँच है उसके खिलाफ। बहुत बदतमीजी दिखाई है उसने मेरे साथ, बहुत बदतमीजी इंसान है वो। मेरे बच्चे छोटे छोटे रो रहे थे दुकान पर, उनकी तरफ नहीं खाया। मेरा बेटा इतना रो रहा था बहुत ज़्यादा, उसको भी धमकी दी। तो कितने सिपाही पहुँचे थे पुलिस वाले? 5 सिपाही थे, बाकी 3-4 बाहर खड़े रहे थे। ऐसा आए थे यार, बहुत बड़ी रेट डालना है मेरे ऊपर। तो बड़ा मुश्किल हूँ मारा और आपकी सारा मेरा मुझे बहुत सामान फेंका सर। सबसे पहली बात तो मेरा काउंटर वगैरह सामान सीसीटीवी में सारा दिखाई दे रहा है, कितनी बुरी तरीके से सामान फेंका लाते मार मार के। आधे से ज़्यादा सामान मेरा गायब हो गया वहाँ से, बहुत रुपये नुकसान हुआ।